हेलो गाइस, एबीसी मोबाइल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कॉइल के बारे में बता रहा हूँ। कॉइल ब्लैक कलर का कंपोनेंट होगा, बोथ साइड सिल्वर लाइन होगी। ये दो किस्म की कॉइल होती हैं, जैसा कि आप वीडियो में देखें। ये ब्लैक कलर का कंपोनेंट है, ये कॉइल है। और यहीं दूसरी कॉइल जो आपको दिखाई दे रही होगी, ये बूस्टिंग कॉइल होती हैं, जो डिस्प्ले के लिए काम करती हैं। डिस्प्ले में हाई वोल्टेज को बूस्ट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, ये बूस्टिंग कॉइल। ये नॉर्मल कॉइल है ब्लैक कलर की, जिसके ऊपर आप देख रहे होंगे सिल्वर लाइन। ये देखिए ब्लैक कलर, साइज़ में छोटी बड़ी हो सकती हैं। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये मेरे मल्टीमीटर की प्रॉब है, ये कॉइल के ऊपर, ये कॉइल शो कर। चलिए गाइस, मैं वर्किंग की बात करता हूँ। तो ये सिग्नल को, जो कॉइल है, सिग्नल को फिल्टर करती है, सिग्नल को फिल्टर करने का काम करती है, और हाई फ्रिक्वेंसी को लो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करने का काम भी करती है। और जो बूस्टिंग कॉइल मैंने आपको दिखाई थी, राउंड गोल वाली, ये लाइट सेक्शन में यूज़ होती है और वोल्टेज को बूस्ट करती है। तो चलिए गाइस, मैं आपको टेस्टिंग करके बताता हूँ। पहले मैंने आपको पहचान बताई बोर्ड के ऊपर ब्लैक कलर की। अभी मैं, ये कंटिन्यूटी रेंज है मल्टीमीटर के, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बीप साउंड आती है, और मैं इसको चेक करके बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये बीप साउंड कर रही है। बीप साउंड का मतलब ओके कंडीशन, बीप साउंड का मतलब ओके कंडीशन। तो अगर ये बीप साउंड कर रही है, ये ओके कंडीशन में इंडिकेट करती है, और अगर ये बीप साउंड नहीं कर रही है, तो ये वो कंडीशन क्या होगा, ओपन कंडीशन होगा। तो मल्टीमीटर को किसी भी साइड से आप चेक करेंगे कॉइल को, तो वो बीप साउंड करेगी। बीप साउंड कॉइल ओके कंडीशन है, और अगर वो बीप साउंड नहीं करती है, तो वो ओपन कंडीशन होती है। उस कंडीशन में हमको ये कॉइल चेंज करनी पड़ती है, या आपके पास दूसरा बोर्ड है तो उस बोर्ड से आप कॉइल निकाल कर इसमें लगा सकते हैं, एज ए फ्यूज़ का काम कर रही है। और अगर आपके पास कॉइल अवेलेबल नहीं है, तो आप पॉइंट टू पॉइंट बोथ साइड में जंपर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ आपसे। अगले कंपोनेंट के बारे में आपको जानकारी दूंगा। थैंक यू।